हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार। तो आज की जो अपडेट है हमारी, वो DLED 2017 और 18 बैच को लेकर है, जिसमें आज हम जानेंगे कि इसका जो प्रमाण पत्र हमारे हैं वो कब तक मिलेंगे। क्योंकि देखिए, 18 बैच में जो प्रमोट हो गए थे उनका रिजल्ट भी आ चुका है, 17 बैच का तो पहले ही आ चुका है, एक साल पहले ही आ गया है। तो इनके प्रमाण जो हमारा बैच के जो प्रमाण पत्र है वो कब तक आएंगे। देखिए, प्रमाण पत्र जो मतलब सर्टिफिकेट है वो इसमें देखिए लिखा है कि दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से जो है प्रिंटिंग का कार्य जो था वो पूरा नहीं हो सका था। इस वजह से जो था प्रमाण पत्र जो है लेट हुए और 2 माह के और इंतजार, मतलब 2 महीने और अभी वेट करना होगा। लगभग मई में, अप्रैल लास्ट या मई तक हमारे जो है वो प्रमाण पत्र हो सकता है मिल जाए हमें, ठीक है। और इसमें फिर लिखा है न्यूज़ में, यहाँ पे लिखा है कि पहले जो 17 बैच के जो प्रमाण पत्र थे वो मार्च तक मिलने थे, लेकिन छपाई का काम नहीं हो सका, जिस वजह से 2 महीने का टाइम और लगेगा, ठीक है। अब इसकी नई अवधि, ये तो हो गई प्रमाण पत्र की बात। अब आते हैं 2020 बैच, जो 21 बैच आने वाला है उसको लेकर अपडेट। देखिए, जो PNP है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, उन्होंने 2021 का प्रस्ताव जो शासन को तो भेज दिया था, लेकिन शासन ने अभी इसी बात पर ही निर्णय नहीं लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी इसमें कि शासन ने अभी इसी बात पर निर्णय नहीं लिया है कि 2020 बैच जो है इनको शून्य करना है या क्या करेंगे, मतलब शून्य करना है या उसको चलाएंगे, ठीक है। देखिए, 2020 जो बैच है वो शून्य होने का पूरा चांस है, मतलब शून्य तो वो होना ही है, क्योंकि अगर इन्हें सत्र नियमित चलाना है तो उसको करना ही पड़ेगा। जैसा कि 2016 बैच, जब मतलब इसका नाम है उस वक्त जब चेंज हुआ था, 2016 बैच जो था वो भी एक साल वो पीछे चल रहा था, ठीक है। 17 में जो 16 का बैच आ रहा था, तो इसलिए 16 को शून्य करके उसको 17, पहले 16 के फॉर्म भरवाए गए थे, अगर याद होगा, जो 17 बैच वाले हैं पहले 16 का फॉर्म भरवाया था, फिर उसी को उन्होंने फिर से चेंज किया था, तो DLED का नाम किया था फिर PTC का, और तभी 17 बैच के फॉर्म भरे गए थे। तो 17 बैच आया, 16 बैच आया ही नहीं था, 15 के बाद सीधे 17। तो वैसे ही इसमें भी इस बार है, 19 के बाद हो सकता है 21 बैच ही आपको देखने को मिले। तो इसमें लिखा है यहाँ पर कि कहा जा सकता है कि माह के अंत तक नए सत्र के निर्देश जारी हो सकते हैं, मतलब मार्च जो महीना चल रहा है इसी के एंड तक हो सकता है आपको, होली के बाद, होली के टाइम ही लगभग, तो होली तो लास्ट मंथ में ही है, बिल्कुल मंथ एंड में ही हो रही है, तो होली के टाइम हो सकता है आपको इसके पता, मतलब 21 बैच या 20 बैच कैसा क्या रहेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।